हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर सेकेंड ऑफ चैप्टर सेकेंड जियोग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इसमें हम कवर कराएंगे नदन प्लेन्स। नदन प्लेन्स क्या होता है ये हम समझेंगे। अभी तक हमने हिमालय समझा, हिमालय की रेंज शिवालिक जहाँ पर ख़त्म हुई वहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट हुआ और उसे कहा जाता है प्लेन्स, नदन प्लेन्स, क्योंकि नदन पार्ट ऑफ द इंडिया। अब उसके लिए जो भी समझना है हमें, उसके लिए पहले आपको मैप समझना पड़ेगा, तो हम आपको मैप में ले चलते हैं। सबसे पहले हम मैप में चलेंगे। अगर आपके पास बुक है तो जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे हमको चलना है। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जहाँ पे आपका शिवालिक ख़त्म हुआ है, ठीक है, वहीं से आपका नदन प्लेन स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये शिवालिक है, ये शिवालिक जहाँ पे भी ख़त्म हुई है यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया है ये प्लेन है एंड इट इज नोन एज नदन प्लेन। इस पर्टिकुलर एरिया के हम लोग बात करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड नदन प्लेन। ये पूरा एरिया जिसे हम नदन प्लेन कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, फर्टिलिटी में कमी नहीं, नदियाँ बहुत बह रही हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं हिमालय की तरफ से, और इसी की वजह से वाटर रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सही और फ्लैट लैंड है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। क्योंकि सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम से हमने देखा था कि जहाँ पे भी रिवर वाटर सोर्स होता था वहाँ पे लोग सेटल हो जाते थे, और यही रीज़न है कि उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिकॉज सॉइल बहुत ज़्यादा रिच है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर फैसिलिटी है, तो ड्रेन जो भी है आपका ड्राउट और सूखे का कोई चांस ही नहीं होता। तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बस आपको मैप में समझना पड़ेगा सबसे पहले कि नदन प्लेन्स है कहाँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग उस पेज पे चलते हैं जहाँ पे नदन प्लेन्स है। अब नदन प्लेन्स है क्या, देखो समझो, यहाँ पे नदन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय थ्री रिवर्स, तीन मेजर रिवर्स हैं। सबसे पहले इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन सी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके, अब ये एलुवियल सॉइल है, ऑब्वियसली जब फर्टाइल जो एक सिल्ट कैरी करेगी रिवर, तो अपने साथ एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ सिल्ट लेके आएगी, जिसके वजह से सॉइल के अंदर प्रॉपर्टी के में अंदर चेंजेस होंगे। और जब रिवर के बीच में जब सॉइल होती है, इट ऑलवेज एनरिचेस विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट वैल्यूज। अब थोड़ा हमको समझना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, वापस मैप में चलो, थोड़ा जब भी हम ऐसी चीज़ें समझते हैं वो मैप में ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज़ 2400 किलोमीटर, जितना हिमालय उतना ही है अप्रॉक्सीमेटली। और ये जो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ इट इज़ 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर्स, और ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, ये एरिया ऐसे है और ये वाला जो दूसरा वाला एरिया है वो कुछ इस तरीके से है। अभी आपने एक चीज देखी है कि यहां पर रिवर्स बहुत फ्लो कर रही हैं, और रिवर जब फ्लो करेगी तो तीन रिवर फ्लो करेगी। सबसे पहले इंडस रिवर, जो कि यहां से मेन रिवर बन रही है, जो यहां पर आकर सारी की सारी ये जो रिवर है फिर इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगी, जो ड्रेनेज करती है पाकिस्तान। वहीं पे गंगा रिवर, यू कैन सी दिस इज द मेन रिवर, और उसके साथ साथ दूसरी रिवर आके मिल रही है, सो दे आर द ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंडक हो गई, कोसी हो गई, घाघरा हो गई, उसके बाद यमुना हो गई, यमुना में भी चंबल आके मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं, जो सैंगपो रिवर होती है चाइना के अंदर, फिर यहाँ पे आकर ब्रह्मपुत्र उसको कहा जाता है। तो ये तीन रिवर जो है वो ड्रेन करती है नदन प्लेन्स को, कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, नदन प्लेन्स को। जैसे ही आप मैप देखते हो ना, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैप को भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है, ताकि आपको समझना है कुछ ऐसा प्लेन्स दिखता है, ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सुटेबल लैंड। ओके, अब काफ़ी रिवर्स हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगी, जिसके वजह से ये फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें तो दो तरीके से वाटर के अंदर या रिवर के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है।
थोड़ा इसको हम समझेंगे अभी, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो है मान लीजिए ये मेन रिवर है, ये क्या है मेन रिवर है, और कोई दूसरी रिवर इसमें आके मिल रही है, छोटी रिवर इसमें आके मिल रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। उसको क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज। वो ट्रिब्यूट दे रही है, मान लो उसमें आकर अपने आप को समर्पण कर रही है, तो ट्रिब्यूटरी होती है जो छोटी रिवर बड़ी रिवर में आके मिल जाए, दैट इज ट्रिब्यूटरी। और वहीं पे इसमें से एक और रिवर निकल जाए छोटी, ठीक है, पास हो जाए और पानी डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। वो पानी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मेन रिवर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका यही मतलब है। ओके, अभी हमको समझना है, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं और हम ये समझते हैं कि गंगा जो प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, फिर जो हमारा सतलुज रिवर और ये जो पंजाब प्लेन्स है वो कहाँ पर है, और असम जो भी हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो कहाँ। तो सेम जैसे हिमालयाज बटे थे तीन हिस्सों में, है ना, पंजाब हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज, जस्ट लाइक दैट प्लेन्स एरिया भी तीन हिस्सों में बटे हैं, उसको हमने डिवाइड कर रखे ताकि हम उसको ठीक से समझ सकें। जैसे कि पंजाब प्लेन्स, देन गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, क्योंकि इंडस तो चला गया उधर, है ना। इंडस का जो 70-80% वाटर जो ड्रेन होता है वो पाकिस्तान में होता है, और हमारे यहाँ पर जो मोस्टली होता है वो इतना फ्लरिशिंग और फ्लो वाइज नहीं होता, तो हम लोग उसको पंजाब प्लेन्स कवर करते हैं। अब थोड़ा सा हमको समझना है यहाँ पे, जब रिवर फ्लो हुई तो उसने अलग अलग प्रॉपर्टी से रिजर्व्स या फिर अलग अलग नदन प्लेन के हिस्से बनाए, और उसमें रिवर का बहुत बड़ा भागीदार है, ठीक है। क्या उसका रोल है, देखो कुछ चीज़ें मैं अगर बना के समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। शिवालिक्स, देखो तीन रेंजेस हैं आपको पता ही है हिमालयस के, ठीक है। ये है आपके मान लीजिए बड़े, फिर उससे छोटा हिमालय, देन शिवालिक्स। अब ये तीन रेंज में से रिवर जब फ्लो करके आती है तो यहां से प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, और जब अब यहां से रिवर, देखो यहां से तो रिवर स्लो स्लो, और स्लोप था यहां पे तो फास्ट हो गई, स्लोप की वजह से रिवर फास्ट होती है, और जब फास्ट होती है तो कुछ ना कुछ वो लेके आती है अपने साथ। जैसे ही वो प्लेन एरिया में गिरेगी तो अपने साथ जो भी उसने पेबल्स रॉ जो स्टोन्स लेके आई है वो यहां पर वो डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। और रिवर का जो पानी है वो उस पत्थरों में दब जाएगा। इस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है बाबर रीजन। क्या बोला जाता है, बाबर रीजन। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं बाबर में, तेराई में, उसके बाद में खादर, बांगर, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल रिवर जब यहाँ पे आई, धड़ाम से गिरी और अपने साथ जो भी पेबल स्टोन लेके आए थे वो उसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बाबर रीजन। अब रिवर का पानी दबा हुआ है, अब उसको स्पेस चाहिए, जैसे ही स्पेस मिलेगा तो वो फैल जाएगा। जैसे कि प्रेशर होता है ना, हम लोग जैसे पाइप होता है पानी का, उसको दबा के रखते हैं फिर एकदम से रिलीज करते हैं, तो पानी क्या होता है एकदम से फैला हुआ बाहर आता है फोर्सफुली। तो अब पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर आएगा और फैल जाएगा इधर उधर, इधर इधर उधर, हर जगह। अब जहाँ पे सॉइल अच्छी है, पानी भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली फॉरेस्ट ग्रो कर जाएगा। क्या ग्रो कर जाएगा, फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट ग्रो कर जाएगा। इस फॉरेस्ट रीजन को, स्वाम्पी रीजन को, वेट लैंड को क्या कहा जाता है, तेराई। क्या कहा जाता है, तेराई रीजन। इसको क्या कहा गया, बाबर। इसको क्या कहा गया, तेराई रीजन। अब इस रिवर ने कैसे भी करके, अब जंगल वंगल बना के इसने कैसे भी अपना वापस रास्ता निकाला, और ये अब आगे फ्लो कर गई, ठीक है, आगे ये फ्लो कर गई। तो ये है खादर, ये है बाबर और तेराई। अब खादर और भांगर क्या होता है, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जो रिवर वहाँ से फॉरेस्ट से पास हुई वो मान लो यहाँ पे चल रही है, ठीक है, और जब वो चल रही है तो कुछ इस फॉर्म में चल रही है। चलिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ब्लू कलर कर लेते हैं। चलो,
तो ये जो रिवर यहाँ पे मान लो आ गई, अब इसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, ये जो रिवर है जब फ्लड आता है ना तो यहाँ तक जा सकती है, इसकी एक लिमिट है जिसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। और पेरिनियल रिवर से जो हर साल मतलब बहती रहती है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि फ्लड आएगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, साथ में रेनफॉल ज़्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होगा, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा है। हर साल फ्लड आते हैं, आपने सुना भी होगा बिहार यूपी में फ्लड आते हैं, ठीक है, कोसी रिवर, गंडक रिवर, ठीक है, इस घाघरा रिवर, ये सारे फ्लड्स लेके आती है, काफ़ी फास्टली आती है, गंगा में आके मिलती हैं। तो अब ये जो रिवर है वो यहाँ तक फैली, रिवर हम अपने साथ सिल्ट कैरी करती है, सिल्ट मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं सैंड और जो सॉइल जो अलग 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अब लेके आएगी और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, पानी फैला और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। अब यहाँ की जो सॉइल है उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस आ गए और वो रिन्यू होती रही उस, ठीक है, नई नई रिन्यू बनती रहेगी, जैसे जैसे फ्लड आएगा सूखेगा पानी, फिर वापस नदी जो है वो अपनी स्ट्रीम में बह जाएगी, तो तब तक प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर जो सॉइल न्यू बन चुकी है उसे बोला जाता है खादर, और इसके बाहर जो भी पुरानी की पुरानी है वो भी तो एलिवेल सॉइल ही है लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, उसको कहा जाता है भांगर। बस इतना खेल है भांगर और खादर का, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा खादर और भांगर क्या होता है, यहाँ पे कुछ इनके बारे में बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि क्या होता है खादर, क्या होता है भांगर, क्या होता है। अभी आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पेनिनसुलर प्लेटियो पढ़ेंगे, जिसमें हम सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटियो को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Thank you very much.